तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद तारिक, मैं आपकी इस्लामिया टीचर हूँ। बेटा, हमने गुज़श्ता दिन जो गुज़श्ता लेक्चर था उसमें हमने ज़कात की फ़ज़ीलत और माशरती अहमियत के बारे में हमने पढ़ा और इसका तफ़सीली सवाल नंबर एक पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है ज़कात के तफ़सीली सवाल नंबर दो, ज़कात के मसारिफ। तो ज़कात का मसारिफ पहले कहते हैं मसारिफ। मसारिफ कहते किसको है? मसारिफ ज़कात से क्या मुराद है? मसारिफ ज़कात से मुराद ऐसे लोग जिनको ज़कात का माल दिया जाए। उनको मसारिफ ज़कात कहा जाता है, यानी ऐसे लोग, ऐसे मुस्तहिक अफराद जिनको ज़कात का माल दिया जाए उनको मसारिफ ज़कात कहा जाता है। तदी तरह मसारिफ ज़कात कुरान पाक के अंदर जो बयान किए गए सूरह तौबा के अंदर वो आठ हैं। मसारिफ ज़कात ज़कात जो है टोटल मुकम्मल आठ है। मसारिफ ज़कात आठ है, वो कौन कौन से? जैसे पुराने बाग की तफसील, पुराने बाग की आयत के अंदर इसकी तफसील बयान की गई है। सूरह तौबा में मसारिफ ज़कात आठ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ फ़ी क़ुलूब व फ़िर रिक़ाब वल ग़ारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह व इब्नि सबील। तो ये आठ मसारिफ हैं ज़कात के। हम इनको पॉइंट बना के लिखे थे अपने तलबा, आप इनको कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिएगा। और ये इम्तिहान के हवाले से भी अहम है और फाइनल टर्म जो आती है उसके अंदर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि मसारिफ ज़कात तहरीर करें, या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि कोई से दो मसारिफ ज़कात तहरीर करें। तो आपके जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि मसारिफ ज़कात कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर मसारिफ ज़कात, मसारिफ ज़कात की डेफिनेशन आएगी। तारीख यानी ऐसे लोग जिनको ज़कात का माल दिया जाए उनको मसारिफ ज़कात कहा जाता है। सेकेंड जो है ये अनसुल्टा पॉइंट है, मसारिफ ज़कात कितने हैं? मसारिफ ज़कात आठ हैं। अब हमने इनकी तफसील लिखनी है कि कौन कौन से ऐसे नाम लिखनी है। नंबर एक, मसारिफ ज़कात में फर्स्ट जो है फ़ुक़रा। पहले नंबर पर फ़ुक़रा यानी फकीरों को कहा जाता है, मोहताजों को कहा जाता है, ऐसे जिनके पास रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए कोई अशिया ना हो, कोई अज्जा ना हो, कोई चीज़ ना हो, ऐसे लोग मसारिफ ज़कात कहलाते हैं और ये मुस्तहिक लोग कहलाते हैं। इन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं, ज़कात का माल दे सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आएगा मसाकीन, इसका माना होता है मोहताज, माजूर लोग, मोहताज फकीर लोग, उन लोगों को मसाकीन कहा जाता है। यह दूसरा मसारिफ ज़कात है। और तीसरे नंबर पर आमिलीन, आमिलीन से मुराद वो लोग जो ज़कात के महकमे में काम करने वाले। अजीज तलबा, आजकल तो ये ज़कात का जो महकमा है बैतुल माल, ये गवर्नमेंट के अंडर है और यहाँ पर जो मुलाज़मीन काम करते हैं वो गवर्नमेंट से तनख्वाहें मुशारा लेते हैं। तो इन लोगों को आप नहीं दे सकते। ये उस दौर की बात है जब शुरू इस्लाम के अंदर ज़कात का हुक्म फ़र्ज़ हुआ और लोग फी सबीलिल्लाह सवाब की नियत से दूर दराज से लोगों के पास जाके ज़कात का माल इकट्ठा करते थे और वापस आकर उसको बैतुल माल में जमा करवाते थे। उन लोगों का कोई महाना मुशारा या तनख्वाह मुकर्रर नहीं थी, ये सिर्फ राहिल्लाह, ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और फी सबील
लाइन काम करते थे, तो उस वक्त अगर वो वाला आदमी जो ज़कात का माल इकट्ठा करता है और बैतुल माल में जमा करवाता है, तो उन लोगों को भी ज़कात दी जाती थी और उनको क्या कहा जाता था? आमिरीन, यानी ऐसे लोग जो ज़कात के महकमे में काम करते हैं, ये ज़कात का तीसरा मसरफ है। लेकिन आज भी अगर कोई शख्स ज़कात का माल इकट्ठा करता है और फी सबील अल्लाह से और जाके वो उसमें बैतुल माल में जमा करवाता है या मसरफ ज़कात है उनको जाकर देता है, और तो उसको अगर उसकी ज़रूरियात है तो उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसको भी ज़कात आप दे सकते हैं, वो ज़कात का माल ले सकता है। उसके बाद है मुअल्लफ़त क़ुलूब तारी शक्ल नंबर 4। तारीफ़ कल्ब से मुराद ऐसे नौ मुस्लिम जो काफ़िर थे और से इस्लाम लाए और हालत गुरबत के अंदर चले गए, हालत गुरबत के अंदर जाने की वजह से और वो गुरबत और तंगदस्ती का शिकार हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को इस्लाम में पुख्ता करने के लिए, उनकी दिलजोई करने के लिए आप लोग उनको ज़कात दे सकते हैं। और ये ज़कात का मसरफ है जिसको तारीफ़ कल्ब कहा जाता है या तारीफ़ क़ुलूब कहा जाता है। और इसके बाद है नंबर 5 रिकाब से मुराद गर्दने छुड़ाना, मुराद गुलाम और लौंडियां। ये शुरू इस्लाम के अंदर था, अब भी हुक्म इस्लाम के अंदर मौजूद है लेकिन इसकी कंडीशन मौजूद नहीं है। वो शरी हुकूमत हो, शरी अमीर मोमिनीन हो और वो जाएं जिहाद के लिए भेजें, वहां से कुफार के मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करके ले आए, तो वो गुलाम और लौंडियां कहलाते हैं। और गुलाम और लौंडियां अगर गरीब है, मुसलमान है, उसको माल की जरूरत है गर्दन छुड़ाने के लिए, अपने आप को रिहाई दिलाने के लिए, तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रिकाब कहते हैं। और नंबर 6 गारमी, वो गारमी से मुराद कर्जदार ऐसा आदमी जो पहले सरमायादार था, मालदार था, लेकिन खुदा की कुदरत में ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसका माल ज़ाया हो गया, अपनी हालत खत्म हो गई और वो उसके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज आ गया। अब कोई सूरत ऐसी नहीं है कि वो अपने कर्ज को उतार सके, तो उस आदमी को जिसके पास कोई सूरत नहीं कर्ज उतारने की, तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं, इसको हम गारमी कहते हैं। और नंबर 7 इसी तरीके से फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, जैसे कोई शख्स जिहाद के लिए जा रहा है या तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है या तबलीग के लिए जा रहा है, तो ऐसे शख्स को भी आप ज़कात दे सकते हैं ये फी सबीलिल्लाह। और लाज़िम होगा वक्त सभी वापिस सभी, इससे बड़ा मुसाफिर है, ऐसा मुसाफिर जो सफर भी जा रहा हो और ज्यादा रात कम हो जाए, उसकी नियत कट जाए और वो मुस्तहक है और आप उसने घर वापस जाना है, तो आप उसको ज़कात का माल दे सकते हैं। तो अभी तरह ये 8 ज़कात के मसाले थे जो हमने पढ़े और ये अहम सवाल है और अल्लाह के तौर पर आता है। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम।